चुनाव नजदीक आते ही भाजपा प्रत्याशियों की धड़कनें तेज हो चुकी हैं। सभी प्रत्याशी अपनी जीत के लेकर नेताओं के समक्ष जीत के बड़े बड़े कशीदे पढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि सोलन की सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। इस बार भाजपा में सीट की दावेदार राजेश कश्यप, कुमारी शीला, तरसेम भारती, एनएच कश्यप, नंदलाल और मीरा आनंद है, जिनमें से दो नाम राजेश कश्यप और कुमारी शीला का नाम ज्यादा चर्चा में चल रहा है। लेकिन कुमारी शीला रेस से बाहर होती नजर आ रही हैं, क्योंकि वह अनुसूचित जाति में होने का दावा कर रही हैं, लेकिन जिला उपायुक्त की रिपोर्ट बता रही है कि वह अनुसूचित जाति की नहीं है। जिला उपायुक्त राकेश कंवर ने कहा कि राजस्व विभाग से रिपोर्ट मांगी थी कि कुमारी शीला अनुसूचित जाति से है या नहीं, तो जांच में ये पाया है कि कुमारी शीला 1970 से पहले बोहरा जाति की थी और बाद में वह बदल कर कोहली की गई है, जो कि बदली नहीं जा सकती है, इसलिए उनकी ओर से ये रिपोर्ट विभाग को भेज दी गई है। प्रदेश सरकार के राजस्व विभाग की तरफ से शीला देवी के जाति प्रमाण पत्र के बारे में एक रिपोर्ट मांगी गई थी, जिसमें छानबीन के बाद जो एसटीएम से रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक इनकी जो कास्ट है वो शुरू में जो है वो बोरा के नाम से दर्ज थी, लेकिन बीच में 1970 के आसपास इस कास्ट को बदल दिया गया और इसको कोली के रूप में दर्ज कर दिया गया, लेकिन उसकी कोई कारण, कोई ऑर्डर, कोई भी इस किस्म का आदेश नहीं है कि वो कास्ट क्यों बदली गई है। वैसे भी शजरा नसब में कास्ट को बदलने का कोई प्रावधान नहीं है, दो सेटलमेंट्स के बीच में कास्ट को लेकर कोई भी दुरुस्ती नहीं हो सकती और सेटलमेंट के दौरान भी पिछली कास्ट को बदलना जो है वो आमतौर पर संभव नहीं होता है।